Hello viewers, my name is Yash and you are watching Sporttex. तो दोस्तों आपने धोनी द विकेट कीपर, धोनी द बैट्समैन एंड धोनी द कैप्टन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, बट आज हम बात करेंगे धोनी द अंपायर के बारे में। साथ साथ दोस्तों हम बात करने वाले क्रिस गेल से रिलेटेड क्या लेटेस्ट और अच्छी खबर आई है। साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे रवि शास्त्री ने क्या कहा है अबाउट एबी डिविलियर्स, और दोस्तों अपनी मेजर स्टोरी में बात करेंगे कैसे फिर से दिल्ली कैपिटल्स को लग चुका है एक बहुत ही बड़ा वाला झटका। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसे लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो और अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते धोनी द अंपायर से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है। अब गाइस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब आपको बता दूँ, धोनी की टीम CSK जो लास्ट मैच खेल रही थी हैदराबाद के अगेंस्ट, सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, तो गाइज वहाँ पे एक सीन आता है, एक मोमेंट आता है जो कि 19th ओवर में हमें देखने को मिलता है, जब शार्दुल ठाकुर जो है बॉलिंग करते हैं और गाइज वाइड लाइन के बहुत ही क्लोज था ये बॉल। तो ऐसे में जो है क्या होता है, आप वीडियो में देख सकते हो साफ, यहाँ पे अंपायर जो अपना हाथ स्ट्रेच करते वाइड के लिए, बट उसी मोमेंट में हम देखते हैं धोनी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होते हैं अंपायर पर, शार्दुल ठाकुर भी, जिसके बाद जो है वो मिड वे में अपने हाथ को वापस स्ट्रेच करके वापस नीचे ले आते हैं। कुछ इस तरह से हमें दोस्तों धोनी का खौफ देखने को मिला, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अंपायर भी माइंड में रखते हैं कि धोनी का जो जजमेंट है बहुत ज़रूरी होता है। ऑल दो यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग चीज़ था यहाँ पे, और वार्नर भी देखने को मिला, वार्नर का रिएक्शन भी जो कि सरप्राइज थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंपायर ने अपना हाथ ऊपर किया और उसके बाद नीचे कर दिया अचानक से, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग मूवमेंट था, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है धोनी के बारे में कि कैसे व्यक्तित्व है वो। बढ़ते गए इस नेक्स्ट स्टोरी में, बात कर लेते क्रिस गेल से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है। अब गाइस बहुत समय से ये चीज़ थी कि क्रिस गेल कब वापसी करते हुए नजर आएंगे, कब वो मैच खेलते हुए नजर आएंगे, बट गाइस आपको पता है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल, केएल राहुल बहुत शानदार ओपनिंग कर रहे थे, तो ऐसे में जो है क्रिस गेल के लिए जगह नहीं बन पा रही थी टीम में। बट गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सवेल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे में जो है क्रिस गेल ने इस चीज़ को खुद कन्फर्म किया है। किंग्स इलेवन पंजाब का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे एक वीडियो पोस्ट हुई है जिसमें क्रिस गेल खुद बता रहे हैं कि वेट जो है वो ख़त्म हो चुका है और मैं अब जो है आप सबको बहुत देखने मिलेंगे यूनिवर्सल बॉस नेक्स्ट मैच में, जो कि होने वाला RCB की अगेंस्ट में, तो उस मैच में जो है आपको देखने को मिलने वाले क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बताया और बोला अनटिल एंड अनलेस कोई और ट्रेजेडी नहीं हो जाती है जब तक, तब तक क्रिस गेल उस मैच में फॉर श्योर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो क्रिस गेल फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं हमें पता है मिड सीजन ट्रांसफर भी होने वाला था, तो ऐसे में जो है कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं चाहती अपने मेजर प्लेयर को ट्रांसफर करना, तो ऐसे में क्रिस गेल को मौका मिलेगा तो ट्रांसफर के कोई चांसेज ही नहीं बनते हैं। तो कुछ इस तरह से क्रिस गेल फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है। बढ़ते नेक्स्ट स्टोरी में, बात कर लेते हैं रवि शास्त्री ने क्या कहा है अबाउट एबी डिविलियर्स। अब गाइज अपने स्क्रीन पे आप ट्वीट देख सकते हो, और इस ट्वीट के थ्रू गाइज हम इतना जान सकते हैं कि रवि शास्त्री कहीं ना कहीं बहुत बड़े फ़ैन एबी डिविलियर्स की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे साफ बताया कि जैसे उन्होंने खेला है वो चाहते बहुत जल्द जो है एबी डिविलियर्स वापसी करे अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका के लिए वो बहुत जल्द खेले, और दोस्तों आपको पता है अगले साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ऐसे में रवि शास्त्री का यही कहना है कि वो चाहते हैं कि एबी डिविलियर्स खेलते हुए नजर आए साउथ अफ्रीका के लिए वो वर्ल्ड कप। तो कुछ इस तरह से उन्होंने कहा एबी डिविलियर्स के लिए, और गाइज ये एक तो ट्वीट की बात नहीं है, इससे पहले भी इंटरव्यूज में, बहुत सारे इंटरव्यूज में रवि शास्त्री ने कहा है वो बहुत ही बड़े फैन है एबी डिविलियर्स के, और कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बढ़ते गाइस नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी में, बात कर लेते दिल्ली कैपिटल्स को कैसे लग चुका है बहुत बड़ा झटका। अब गाइस लास्ट वीडियो मैंने बताया था कैसे ईशांत शर्मा जो है रूल आउट हो चुके पूरे टूर्नामेंट से, बट यहाँ पे एक और झटका लग चुका है, और ये झटका लगा इन द फॉर्म ऑफ ऋषभ पंत। अब गाइस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल ने जो है बताया यहाँ पे इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जो ऋषभ पंत उन्हें Grade 1 टीयर हुआ है, अभी तक पिछले मैच में जो है प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि श्रेयस अय्यर ने बताया था कि नॉर्मल मसल स्ट्रेन है, बट यहाँ पे Grade 1 टीयर बताया जा रहा है। अब गाइस Grade 1 टीयर का मतलब क्या है, मतलब टीयर है मसल में उनका, बट स्टिल ये जो Grade 1 होता है यहाँ पे वो उतना ज़्यादा नहीं होता ख़राब, मतलब स्थिति उतनी ख़राब नहीं होती है, और ऐसे में चांसेस होते हैं कि प्लेयर बहुत जल्द रिकवरी कर लेगा। एज कम्पेयर टू ईशांत शर्मा, उन्हें जो है मसल टीयर हुआ था, Grade 1 टीयर नहीं होता, मसल टीयर हुआ था, तो ऐसे में जो मसल टीयर होता है उसमें बहुत सारे महीने का भी टाइम लग सकता है ठीक होने में, बट Grade 1 टीयर में कुछ हफ्तों का या कुछ दिनों का समय ही लगता है। तो कुछ इस तरह से डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, जस्ट बिकॉज ये कन्फर्म है
कि ऋषभ पंत आने वाले कुछ मैचेस जो है वो कंफर्म मिस करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर है। बट गाइज, मूविंग ऑन द पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अच्छी खबर ये है कि ऋषभ पंत पूरा टूर्नामेंट मिस नहीं करेंगे, वो बहुत जल्द वापसी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, यही तक था हमारा ये वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।